السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قابل اهترام حاضرين المجلس सबसे पहले अल्लाह ताला के हम शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें उसके दीन की खातिर उसके रज़ा की खातिर कुछ मिनट सीखने सिखाने सी साथ गुज़ारने का ये मौका नसीब किया फिर उसके बाद में माह अब्दुल्लबिन अब्बास ताला अन्हु के जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ ये एक तलीमी और रिफाही इदारा है जो शहर रायचोर में क़ायम किया गया लोगों की असलाह लोगों की इरशाद व तवजी की खातिर और ये उसकी जो मख्तलफ़ एक्टिविटीज़ हैं नशातात हैं उसमें से एक ये भी है कि लोगों को अहले इल्म से जोड़ने के लिए अहिल के खिताबा का एक इंतज़ाम इस माहत के ज़िम्मेदारों ने किया है अल्लाह ताला उनके दिलों में इखलास नसीब फ़रमाए अल्लाह ताला उनकी इन मेहनतों काविशों को कबूल फरमाए मोजा सातिक जी एक मख्तसर से मुलाकात आप लोगों के साथ होगी जिसमें मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके सामने इन हालात के पेश नज़र कुछ बातें रखूँ मजादीन जो आयत मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी वो सूर्य आल इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन नफी ख़ल के समावत के इस आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में इस दिन और रात के आने जाने में अल्लाह ने तकलमंदों के लिए बहुत सी निशानियां रखी हैं वो लोग जो अल्लाह ताला का ज़िक्र हर हाल में करते हैं खड़े हों कि बैठे हों कि लेटे हों वो हमेशा अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखते हैं और आसमान और ज़मीन की इस पैदाइश पर उनकी ग़ौर फिक्र हुआ करती है जो इस नतीजे पे पहुँचती है कि वो एक अल्लाह के कायल हो जाते हैं उसी अकेले की हर तमाम किस्म की इबादतों के हकदार होने का दम भरते हैं कहते हैं सुबहान का मा खलक तहादाबातिला तूने ये जो कायनात पैदा की है अल्लाह तूने ऐसे बातिल पैदा नहीं की सुबह न का रबना मा खल तहादाबातला फिर दुआ करते हैं कि फ़किन आदा बनना हमें जहन्म के आग से जहन्म के अजाब से महफूज रखना मुजहद्रीन आज कल के हालात आप लोगों को पता हैं जिन हालात से हम दो चार हैं एक वबा का दौर दौरा है पैनडमिक दुनिया के तकरीबन तमाम मामालिक को अपने कब्ज़े में लिए हुए है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बड़ी बड़ी हुकूमतें इस छोटी सी वबा के सामने बिल्कुल लाचार और बेबस नजर आने लगी हैं वो मालूमता जिसके खातिर वो मालूमता जिसकी खातिर इंसान अपनों से तक मोल लेता है मुल्कों की मीशतें तबाह होने लगी हैं मुल्कों का इकतसाद बैठने लगा है जिसकी हम मिसाल अपने इस मुल्क हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि हर कारोबारी परेशान है मुख्तलिफ़ की शिकायतें हैं मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हैं कि तमाम बातें इसी पर दलील हैं कि इंसान बेबस कमज़ोर लाचार पैदा हुआ है वखुलसान उदीफा इंसान को बड़ा ही कमज़ोर पैदा किया गया है मजहदरी इस दौर में मुख्तलिफ वाकियात हमारे सामने रोनुमा होने लगे हैं सबसे पहली चीज़ जो काबिल जिक्र है वो एक बीमारी एक वायरस जैसे कहा जाता है एक छोटी सी मखलूक है जिसको इंसान की आंखें तक नहीं देख पाती उस मखलूक़ ने इंसान को इतना आजिज़ कर दिया कि अपनी मामूलत जिंदगी को तब्दील कर चुका है उसकी सुबह शाम की मामूला मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हैं तो जरा गौर करें कि जब अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक अल्लाह के हुक्म से तमाम इंसानों तमाम मुल्कों को उनके हालात बदलने पर मजबूर कर सकती है तो क्या अल्लाह के लिए बेद नहीं है कि अगर वो बंदों को उनके गुनाहों पर पकड़ना चाहे तो कोई उसकी पकड़ से रोक नहीं पाएगा अफ अमिन फला अमन मकर कई लोग अल्लाह की तदबीर से बेखौफ होके बैठे हुए हैं फिर फरमाते अल्लाह त जो कौम नुकसान उठाने वाली होती है उसी कौम की ये नशानी है कि वो अल्लाह की तदबीर अल्लाह की पकड़ से बिल्कुल बेखौफ हो जाती है मुजसादीन नबी करीब सलात वाम से मुतल आता है कि जब कभी आप आसमान पर बादल के टुकड़े देख लेते आपके चेहरे का रंग बदल जाता माय आयशा सिद्दीक रफी ताला ताल ने अल्लाह के नबी आल सलातलाम से वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह के नबी आलाम ने फरमाया कि कुछ कौमों को अल्लाह ने इसी किस्म के बादल से हला को बर्बाद किया वो ये समझ रहे थे कि बरसने वाला बादल है बल्कि वो अपने अंदर एक दर्दनाक अजाब लाया हुआ था और जब तक वो बादल बरस ना जाते अल्लाह के नबी आसलात वाम की परेशानी खत्म ना होती और जब कभी तेज हवाएं चलती नबी करीम सलात वसलाम परेशान हो जाते दखलावा खारज व अदबर आपकी परेशानी आपके हरकतों पर जाहिर नजर आती कभी बाहर जाते कभी अंदर आते कभी ये करते कभी वो करते अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू करते अल्लाह इन्नी असअलो का खैरहा व खैरामा और से लदब वर्रा व शरिमा और से लद्बे क्या अल्लाह इन हवाओं के खैर को हमें अता फरमा इन हवाओं के शर से हमारी हिफाजत फरमा तो ये वबाएँ ये आजमाइश है ये फितने हमें एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि इंसान एहसास करे कि वह अल्लाह तला की नजर में है अल्लाह की नाफरमानी करके बेखौफ नहीं रह सकता कभी भी, भी अल्लाह उसे पकड़ सकता है अल्लाह की पकड़ उसे आ सकती है तो ये पैंडमिक का दौर हमें ये तालीम देता है कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए हमें अपने आप को दीन से करीब करने की कोशिश करनी चाहिए कहीं ये हमारी हलाकत का बायस न बने और क्यों ना हो अगरचे के शरीयत ने इजाजत दी है कि ऐसे हालात में मस्जिदें बंद हो बाजमात नमाज न पढ़ी जाए बाजमात हो तो मुसली आपस में एक दूसरे से दूर दूर ठहरे शरीयत में इसकी गुंजाइशें अगरचे जरूर निकलती हैं लेकिन वहीं पर इस तरफ भी गौर करने की सोचने की जरूरत है मैं उसको इस मिसाल से आपके सामने इस बात को रखने की कोशिश करूंगा समझाने की कोशिश करूंगा कि नबी करीम सलात वसलाम औरतों को नाकिसात अकलोद्दीन कहा फरमाया कि औरतें दीन और अकल दोनों में मर्दों के मुकाबले कम होती हैं अकल में भी कम है दीन में भी कम है फिर उसकी वजाहत करते हुए नबी करीम ने दिन के नुकसान को बताते हुए फरमाया कि जब ये औरत माहवारी का शिकार हो जाए जब हालत हैज हो तो ऐसी हालत में ये नमाज और रोजा छोड़ देती है तो ये उसके दीन का नुकसान है दीन की कमी है मुसरीन इसी माहवारी से मुतालिक नबी करीमत वसलाम ने माई आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह कहा था कि जालिका अमर उनका तब अल्लाह बनाती आदम कि आदम की बेटियों पर यह मुकद्दर है तमाम आदम की बेटियां इस माहवारी से दो चार जरूर होती हैं दिया गया ही की तरफ से है लेकिन वहीं पर दीन का भी नुकसान है यानी कोई औरत अपनी तरफ से नमाजें नहीं छोड़ना चाहती रोजे नहीं छोड़ना चाहती लेकिन मजबूर है फितरत के तहत मजबूर है लेकिन उसके दीन का नुकसान है अल्लाह ने उसके हक में लिखा है तो इसी मुंतलक से यहीं से चल करके आप इसको सोचें कि अगरचे शरीयत ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने से छूट अगरचे दी हो शरीयत ने छूट अगर मिलती हो लेकिन यह हमारी नेकियों की कमी का जरिया भी तो बन सकता है एक वो शख्स जो अपनी जिंदगी भर की पूरी नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़ करके पहुंचे और एक वो जो अपनी जिंदगी की कुछ नमाजों को मस्जिदों में न पढ़ करके अपने घर में पढ़कर के जाए तो ज़हरी तौर तो पर तो फर्क है जो नमाज के पाबंद है जमात के पाबंद है अल्लाह अजर ने जरूर देगा लेकिन जाहरी तौर तो पर एक महरूमी जरूर है एक दूसरे से मुलाकात एक दूसरे के जनाजे में शरीक होना एक दूसरे की तीमारदारी करना एक दूसरे के घरों की जियारतें करना रिश्तेदारियों को कायम करना कई ऐसे माशरती अहकाम हैं जो इस वबा की वजह से तकरीबन सब मुअत्तल हो गए हैं किसी पर अमल नहीं हो पा रहा है इंसान जान बूझ कर चाहते हुए भी इस पर अमल नहीं कर पा रहा है कहीं महरूमी तो नहीं है सवाब की कमी तो नहीं है इस एतबार से भी बंदे को सोचना चाहिए तो मजदुदीन ये वबाएं ये आजमाइशें हमें अल्लाह से करीब करने के लिए आती हैं और उससे पहले ये बात भी समझ लें कि वमा किसीबत बेमा कैसब अन मया कि इस दुनिया में जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है देखो ये तुम्हारे अपने हाथ के करतूत हैं तुम्हारे अपने किए हुए अमाल का नतीजा हुआ करते हैं बिमा का सबत ये तुम्हारे अपने करतूत है और तुम्हारे बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी हरकतें जो अल्लाह ऐसे ही दरगुजर कर देता है वरना अगर अल्लाह पकड़ना चाहे इन अखदह अली मुनशदीद उसकी पकड़ बड़ी सख्त और बड़ी दर्दनाक होती है और इस वबा में एक और चीज जो हमें देखने को मिली कि मौत की कसरत लोग कसरत से मरने लगे हैं उम्र की कोई कैद नहीं है नौजवान भी मर रहे हैं बूढ़े भी मर रहे हैं बल्कि जो लोग खबरें रखते हैं उनको पता होगा कि जब से ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है तब से कई उलमा का इंतकाल हो गया कई जई दोलामा एक एक करके इस दुनिया से जाते रहे आज भी एक आलिम का इंतकाल हुआ हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ रहम्ला जिनकी माया नाज तफसीर तफसर अहसनलबियान जो मुतरजि मोहम्मद जोनागढ़ी रहमोल्लाह के तजे पर लिखी गई तारीख और तफसीर है जिसको इस दुनिया में लाखों लोग पढ़ते हैं वो हमारे दरमियान न रहे मौत की कसरत यह भी फी नफसी हमारे लिए एक बड़ी नसीहत बड़ी इबरत है जैसे मकौला मशहूर है कफा बिल कि जिसको कोई चीज ना समझा सके मौत उसे समझाने के लिए काफी है जो किसी और से नसीहत हासिल ना कर सके मौत बहुत बड़ी चीज है कि जिससे वो नसीहत हासिल कर सकता है बड़ी ही तेजी के साथ लोगों का इंतकाल होना लोगों का मर जाना यह भी हमारे लिए एक इबरत एक नसीहत है कि आज वो हैं तो कल हमारी बारी हो सकती है और जैसा कि इस वबा के ताल्लुक से आम है कि इस वबा से होने वाली बीमारी के कुछ निशानियां हैं जो जाहिर हो जाती हैं और कुछ ऐसी भी निशानियां हैं जो बगैर जाहिर हुए अचानक इंसान पर हमला होता है और इस दुनिया से चला जाता है तो एक कसरत मौत हमें अपनी हकीकत की याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में जाने के लिए आए हैं जिंदा होना मौत की नशानी है और आजकल हर एक के दिल पर मौत का एक खौफ सतारी है बीमारी का एक खौफ सतारी है बीमारी का एक डर लगा है हां यकीन अल्लाह पर तवक्कुल होना चाहिए वही असल है वही सब कुछ है लेकिन उसके साथ साथ असबाब का अपनाना एहतियात का अपनाना एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना ये भी शरीयत का एक हिस्सा है इसकी भी शरीयत में तालीम देती है यह भी शरीयत में सिखाती है इन सब के बावजूद इन सब के साथ साथ हमारा अल्लाह पर भरोसा बढ़ना चाहिए अल्लाह पर ईमान हमारा और मजबूत होना चाहिए हम अल्लाह पर यकीन मजबूत करें तकदीर पर ईमान मजबूत करें कि जो उसका फैसला है उसके फैसले को कोई रोकने वाला नहीं है और जिसको वो रोक दे उसे कोई कुछ दे नहीं सकता सहाबा कराम के ताल्लुक से बल्कि नबी करीमरेत तो वाम का फरमान हो सकता है आपने सुना हो ऐा असबाह तफलातन तदरम तफलातन तदर सबाह सुबह करो तो शाम के इंतजार में मत रहो शाम तक जिंदगी की कोई जमानत नहीं है शाम कर लो तो सुबह तक इंतजार में ना रहो क्योंकि सुबह तक की जिंदगी की कोई जमानत नहीं है उसकी कुछ अमली शक्ल हमें आजकल के इस वबा के माहौल में नजर आने लगी है कि पता नहीं किसकी जिंदगी कब तक हो पता नहीं कब कौन इस बीमारी का शिकार हो जाए मजरीन ये वबा हमें सिखा रही है ये वबा हमें दर्श दे रही है कि इंसान को मौत की तैयारी करनी चाहिए खबर के सवालों जवाब की तैयारी करनी चाहिए अल्लाह के सामने जाकर ठहर करके हिसाब किताब देने की तैयारी करनी चाहिए यह वबा ये माहौल यह बीमारी यह कसरत मौत हमें इसका दर्श दे रही है लेकिन हकीकी ममिन सच्चे मुमिन को अल्लाह के नबी आल इसम ने आज से चौदह सौ चालीस साल पहले ये तालीम दे दी थी बता दिया था कि देखो सुबह करो तो शाम के इंतजार में ना रहो शाम करो तो सुबह के इंतजार में ना रहो हकीकत में यह हमारी जिंदगी होनी चाहिए थी यह हमारा माहौल होना चाहिए था यह हमारी सोच और हमारी फिक्र और हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए थी लेकिन जैसा नबी करीम इसम ने फरमाया कि फरमायासा जमाना आएगा कि जिस जमाने में दुनिया की तमाम कौम मुसलमानों पर वैसे ही टूट पड़ेंगी जैसे भूखे किसी दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं सबब अल्लाह के नबी ने बताया कि यह इस वजह से होगा कि लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत बैठ जाएगी हर एक अपने आप ने अपने आप से सवाल करके देखे कि हम में से कौन है जो मौत के लिए तैयार है मौत के बाद के लिए तैयार है हिसाब किताब के लिए तैयार है किसने अपना सहीफापा को साफ रखा है किसने अपनी जिंदगी को जुल्म से बचाए रखा है चाहे वो अल्लाह के हक में जुल्म हो चाहे वो बंदों के हक में जुल्म हो चाहे रिश्तेदारों के हक में जुल्म हो अपने नाम आमाल अपने सहीफे पर अपनी जिंदगी के अमाल पर जरा नजर सानी कर ले हमें अल्लाह के नबी ने बहुत पहले सिखा दिया था समझा दिया था बता दिया था कि सुबह करो तो शाम के इंतजार में ना रहो शाम कर लो तो सुबह के इंतजार में ना रहो हमें से कौन कह सकता है कि आज मैं अल्लाह के पास चला जाऊं तो मेरा नाम आमा पा को साफ मिलेगा न मैंने अल्लाह के हक में कोई कमी होगी कमी की होगी न मैंने अल्लाह के बंदों के हक में कोई कमी होगी बीविया शौहरों की ना फरमान शोहर बीवी के हक मारने वाले औलाद वालदेन की कदर न करे वालदे औलाद के हक अदा ना करे पड़ोसी पड़ोसियों के हकूक ना जाने तिजारतों में गबन तिजारतों में धोखा तिजारतों में जबान पर झूठ अखलाक में मुनाफ़कत, यह हमारी क्यामत की तैयारी है यह हमारी मौत की तैयारी है तो मौजा साजरीन ये वबा हमें सबक देती है दर्श देती है हमें नसीहत करती है कि हम आखिरत की तैयारी करें आखिरत की तैयारी करें इस नसीहत को सुनकर के सहाबी ने कहा था कि तुम दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे तुम मुसाफिर हो कहीं पढ़ाओ लेने के लिए दरमियान में उतरे हो तुम्हें सफर और तय करना है हमारी मंजिलत हमारी आ, हमारी मंजिल आखिरत है हमारा ठिकाना अल्लाह की पैदा करदा जन्नत अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ठिकाना इन जन्नत है उसकी तैयारी हमें करनी है बस दुनिया में हम कुछ वक्त गुजारी के लिए वक्त गुजारी वक्त गुजारी के माने में नहीं बल्कि हम कुछ वक्त के लिए रुके हैं कि जहां से हमें आखिरत की तैयारी करनी है यह वबा हमें दर्श देती है जिसने इसे सबक ले लिया जिसने अपनी असलाह कर ली कर ली और जो ऐसी वबाओं से ऐसी हालतों से भी अपने आप को नसीहत लेने वाला ना बनाए ऐसे हालात में भी इबरत और नसीहत ना ले अफसोस है ऐसी अकलों पर अफसोस है ऐसी जिंदगी पर जो जानवरों की जिंदगियां बन चुकी हैं कि हम पैदा इसलिए हुए ताकि जिंदगी गुजार लें ना हमारी जिंदगी का कोई मकसद है न हमारे जीने का कोई मकसद है ना आखिरत की तरफ हमारी नजर है इसीलिए काफिरों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा था ओला एक अकल अनबल हम अल ये काफिर जानवर हैं बल्कि जानवरों से कहीं गए गुजरे बदतर हैं तो मौजादीन ये वबाई दौर हमें बड़े सबक देता है बड़ी इबरत देता है बस जरूरत इस बात की है कि आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें जो आयत मैंने आपके सामने सोरे आल इमरान की पढ़ी इन नल्ल वाफन्नायात अलबाब के इस दिनों रात की गर्दिश में अल्लाह ने बड़ी निशानियां रखी हैं और निशानियां हरेक को नजर नहीं आतीबाब अकलमंदों के लिए हैं और अकल किसकी होती है जिसको अल्लाह पर ईमान है अकल वो नहीं है कि दुनिया बहुत बंदा कमा ले अल्लाह ने फरमाया में फरमायात दुनिया गाफिलून कि दुनिया की जाहिरी चीजें ये बहुत जानते हैं बहुत पता है इनको दुनिया की जाहिर चीजों का आखिर से बिल्कुल गाफिल हैं जानवर बने पड़े हैं तो मजहरीन अक्लमंद एक मुसलमान होता है जो अपने माहौल से इबरत लेता है अपने हालात से नसीहत हासिल करता है अपने आप को अल्लाह की तरफ लौटाता है रुझू करवाता है फरमायाल्ला ने कि हर साल एक दो मरतबा इनको आजमाना ये इनकी जिंदगी का एक रूटीन बन चुका है जिंदगी का एक तरीका बन चुका है कि हर साल एक या दो मरतबा ये बड़ी आजमाइशों के शिकार जरूर होते हैं लेकिन लाया तोबा नहीं करते वाहुम यजून और नसीहतें हासिल नहीं करते तो मजर हाजरीन ये हालात हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आते हैं ये बीमारियां ये फितने आज़माइशें हमें अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए आती हैं कि इंसान अपने रब की तरफ रुजू करे अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे अपना मुहासबा करे अपने आप को सुधारने की कोशिश करे अपने आप को सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करे लेकिन बदबक वो है जो ऐसे हालात से बेनसीहत हासिल ना करे बदनसीब वो है जिसको ऐसे सख्त हालात भी न सुधार सकें और जैसे मैंने कहा कि हमने कसरत मौत में ओलमा की कसरत मौत देखी ओलमा बकसरत इंतकाल करने लगे हैं का कसरत से इंतकाल होने लगा है यह भी क़यामत की एक निशानी है फरमाते नबी करीम सलात खलूबिल के क्यामत की, की निशानी यह है कि अल्लाह इल्म को उठा लेगा और इम को ऐसे नहीं उठाएगा कि लोगों के सीनों से नोच करके उसे निकाल ले बल्कि अल्लाह तला कैसे उठाएगा बेकबल मा खत्म होते जाएंगे मा का इंतकाल होता जाएगा मा को अल्लाह उठाता जाएगा और जब उलमा खत्म हो जाए तो जाहिलों की कसरत होगी जाहल फतवेबाजी करेंगे जाहिल दीनी मसाइल पर अपनी जबान खोलेंगे अब जाहिल जब जबान खोले तो खुद भी गुमराह होगा दूसरों को भी गुमराह करेगा खुद भी गलत रास्ते पर जाएगा दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाएगा तो मजा इल्मा इल्म से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें इल्मा इल्म से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें और हर वो मौका जिसमें इल्म हासिल करने की कोई राह निकलती हो उसको जरूर अपनाएं क्योंकि ये वो राह है ये वो रास्ता है जो इंसान को जन्नत ले जाता है मंसला का तरीक़न तबी सफी ही तरीक़न जन्न कि जो कोई किसी रास्ते पर इल्म की तलाश में चलते चलने लगे तो अल्लाह ताला उसी रास्ते के जरिए जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है तलब इल्म में जन्नत है तलब इल्म में जन्नत की तलब है जन्नत की तड़प है जन्नत की तरफ एक कदम है जन्नत को ले जाने वाला रास्ता है इसकी बंदा कोशिश करे इल्म से दूर ना रहे मा से ताल्लुक न काट ले इलम की महफिलों की वो रौनक बनने की कोशिश करे इलम हासिल करने के जो मौके मिल सकते हो उसको अपने हाथ से ना गंवाए यही चीजें हैं जो इंसान को कामयाब कर सकती हैं तो मजह सदरी ऐसे वबा के दौर में अगर कोई कामयाब है तो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखने वाला अल्लाह पर मजबूत तो रखने वाला अकेला कामयाब है ना हर कोई परेशान नजर आता है हर किसी के हालात दिगरबू हैं काफिर यह समझते हैं कि एक मरतबा जिंदगी खत्म हो गई तो खत्म हो गई आगे कुछ नहीं है कमजोर ईमान वाले यह समझ बैठते हैं कि हम इस दुनिया से चले गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में जगा कर गई होती है और मजबूत ईमान वाला अपने पूरे मामला को अल्लाह के हवाले किए होता है उसकी दुआ यही होती है या है या क्यूम बराहमति काफायसबीवकील तुंतुन उसके उसको अपने अमल का एहसास होता है अल्लाह के हाथ में तमाम फैसलों के होने का यकीन होता है वो उसकी तमाम तकदीर से राजी रहता है उसके फैसलों के सामने अपने सर को झुका देता है हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होता है जबान पर शिकायतें नहीं आती अगर उसका भला हो तो अल्लाह की तारीफ में वो लगा रहता है अगर उसका बुरा हो तो अल्लाह की तब भी वो तारीफ करता है कि जो उसने फैसला किया वो मेरे हक में सबसे बेहतर फैसला है ईमान वाले की हालत होती है यह ईमान वाले की हालत होती है कि वह हर हाल में हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार होता है कभी अल्लाह की शिकायत उसकी जबान पर नहीं आती ऐसे वबा के दौर में वही लोग कामयाब हैं जिनके दिल अल्लाह पर यकीन रखते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है जो अल्लाह से करीब से और करीब होने की कोशिश में लगे होते हैं जो अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं जो ये जानते हैं कि अगर उसने कोई खैर का फैसला कर लिया तो कोई और है नहीं जो उसके खैर को रोक सके और अगर उसने खैर से हटकर कोई और फैसला किया तो कोई और है नहीं जो उस किसी और चीज से हमें बचा सके किसी और नुकसान से हमें महफूज कर सके ये ईमान ही है जो इंसान को कामयाब कर सकता है ऐसे ईमान की जरूरत है ऐसे यकीन की जरूरत है ऐसे तोकुल की जरूरत है अल्लाह पर ऐसे भरोसे की जरूरत है कि बंदा अगर इसको मुकम्मल कर ले तो अल्लाह तला उसकी यकीन हिफाजत करते हैं अगर वो जिंदा रहे तो उसकी जिंदगी उसके लिए गनीमत होती है और अगर मर जाए तो उसकी मौत उसके लिए शहादत होती है तो मजदिन मैंने ही कुछ मुख्तर मुंतशर कलिमत के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए दोबारा आखिर में अल्लाह के शुक्र के बाद मैं माहद अब्दुल्ला अब्बास रजा के इन जिम्मेदारों का शिक्र बजालाता हूं और आप तमाम से खूस अहलियान रायचूर से इस बात की मैं दरख्वा करता हूं कि इस माह से जुड़ें से जुड़े, जुड़े इल से जुड़े और इल्म हासिल करने की कोशिश करें इल्मिल करें क्योंकि इल्म ही नजात का वाद रास्ता है इल ही में सुकून अल्लाह ने रखा है इल ही कामयाबी का रास्ता है इलम ही जन्नत तक पहुँचाने वाली राह है इससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें अहले इल्म से अपने आप को जोड़े रखें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा और बीमारी को जितना जल्द हो सके उसके फैसलों से उसकी तकदीर से उम्मत मुसलिमा से इसको महफूज फरमाए उम्मत मुसलिमा की हिफाजत फरमाए इंसानियत की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताल दुश्मन ने इस्लाम जो इस्लाम के पीछे पड़े हों इस्लाम को मुसलमानों को जेर करने इस्लाम और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के पीछे पड़े हों अगर, अगर अल्लाह ने उनके हक हाँ में हिदायत न लिखी हो तो ये वबा उनके हक हाँ में हो जाए और अल्लाह ताला उनको नबूद करे और अल्लाह ताला इस सरजमीन पर उसके दीन का उसके नबी के कलमे का बोलबाला करे और अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तम तमाम की हिफाजत फरमाए अमीन وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته